ग्वारा शहर में करीब सुबह 10 बजे एक नवजात शिशु कचरे के ढेर में मिला। जब स्थानीय लोगों ने जांच पड़ताल की तो पता चला कि ये एक नवजात बच्ची है। नगर में हड़कंप मच गया। शिशु को अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा नगर के बड़ा तालाब के पास मिट्टी और पत्थरों से ढक दिया गया था, लेकिन जब शिशु के रोने की आवाज स्थानीय लोगों को सुनाई दी तब एक महिला और स्थानीय लोगों ने वहां जाकर देखा। पत्थरों और मिट्टी के ढेर में दबी इस नवजात बेटी को बाहर निकाला गया। सूचना मिलने के बाद समाज सेवी पवन शुक्ला मौके पर पहुंचे। उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी और नवजात बच्ची को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार शुरू हुआ। मामले की खबर लगते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। ग्वारा उप थाना प्रभारी प्रमोद रोहित ने बताया कि एक नवजात बेटी बरामद हुई है। पुलिस ने इस मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सुबह करीब 10 बजे ग्वारा में वार्ड नंबर 6 में एक बच्ची मिली थी, जिसको आरक्षक बीरेन सिंह के द्वारा अस्पताल में लाया गया था। उनके साथ में एक महिला भी मौजूद थी, जिसकी बच्ची की उम्र लगभग 34 वीक थी, जो कि मतलब प्रीटर्म है, तो जिसको अपना प्राइमरी ट्रीटमेंट देके वैक्सीनेशन वगैरह करके और जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। बाकी बच्ची स्वस्थ है? जी बिल्कुल स्वस्थ है। आज प्रातः सूचना प्राप्त हुई थी हमें कि बड़ा तालाब मोहल्ला घवारा में एक नवजात बालिका का कोई फेंक गया था जी। उसकी सूचना पर तत्काल हम लोग रवाना हुए थे और जो लोकल के लोग हैं उनको साथ लेकर हम तत्काल अस्पताल पहुंचे जी। इसका घवारा अस्पताल में प्राथमिक इलाज कराया जा रहा है और जिन लोगों ने भी उसके ऐसे आवारा हालत में फेंका है उनके विरुद्ध अज्ञात के विरुद्ध हमने अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। ये एक बच्ची की सूचना मिली थी ग्वारा पुलिस चौकी को और संज्ञान में आया कि बच्ची नवजात थी और उसको किसी व्यक्ति या परिवार जनों ने फेंका, तो उसको अभी हमने हॉस्पिटल में एडमिट करा लिया है और बच्ची की कंडीशन अभी स्टेबल है और इसमें आगे जांच कर रहे हैं, जो भी होगा उस पर कार्रवाई करें।